कभी कभी मन करता है ना रॉयल खाने का, रिच खाने का, और कभी मेहमान आ जाए तो उन्हें खुश करने के लिए बनाना ही पड़ता है कुछ रॉयल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रॉयल मलाई कोफ्ते रेस्टोरेंट स्टाइल। मैं शेफ कृष्णा और आप देख रहे हैं मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए हमेशा लाते हैं मैजिकल रेसिपी। तो आज ये मैजिकल रेसिपी सिर्फ आपके लिए। ओह माय गॉड, बना लीजिए, टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल घर पे आप बना पाएंगे रॉयल रेसिपी। ये रेसिपीज रेस्टोरेंट में कई सालों से मिलती आ रही है, लेकिन आजकल बहुत कम रेस्टोरेंट में ये अवेलेबल होता है। स्पेशली 3-star 5-star होटल्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको खाना है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कीमत क्यों चुकाएं, हम बना सकते हैं घर पे। नोट करिए इंग्रेडिएंट और बना ही डालिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो डिलिशियस रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। फ्रेंड्स, हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज और बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज। तो इनोवेटिव और स्पेशल रेसिपीज बनाने के लिए बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। मैजिक किचन को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बने रहिएगा और यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा, हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजिंग डिलिशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, चले देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं। तो चले बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। बनाते हैं रॉयल मलाई कोफ्ते रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए हमने यहाँ 250 ग्राम लिया है पनीर। इस पनीर को करेंगे ग्रेट, बिल्कुल फाइन ग्रेट किया हमने, देख सकते हैं 250 ग्राम है पनीर और इसको हमने ग्रेट कर लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले वो है मावा यानी खोया। तो 100 ग्राम हम खोया यूज कर रहे हैं, फ्रेश खोया लेंगे और इसमें 3 टेबल स्पून जाएगा ऑल पर्पज फ्लावर बाइंडिंग के लिए। इसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट है जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। तो ये है मेजरमेंट, ध्यान रखिएगा। कई लोग इसमें आलू भी मिलाते हैं, लेकिन आलू हम नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर हमने ले लिया सबसे पहले पनीर और अब ये देखिए हथेली की मदद से इसको अच्छे से मैश करना है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कितने अच्छे से मैश करते हैं, 3 से 5 मिनट कम से कम। 3 से 5 मिनट आपको अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल सॉफ्ट चिकना हो जाना चाहिए। तो सॉफ्ट और चिकना होने तक आपको अच्छे से मैश करना है पनीर को। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है पनीर। तो ये पनीर हमारा रेडी हो गया है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है मावा, फ्रेश मावा है, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दे तो इसे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसको हमें हाथों की मदद से इसको भी इसी तरह से मैश करना है। तो इसको 2 से 3 मिनट मैश करने पर ये चिकना हो जाता है। तो ये 100 ग्राम है और 250 ग्राम पनीर है, रेशो ध्यान रखिएगा। अब दोनों को आपस में मिला देते हैं और मिलाकर इसको फिर से मैश कर देते हैं। तो अच्छे से इनको मिला देंगे ताकि पनीर और मावा बिल्कुल इकसार हो जाए। अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये अब आपको अलग नहीं लग रहा होगा पनीर और मावा, दोनों अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्लावर। तो ये ऑल पर्पज फ्लावर है, 3 टेबल स्पून है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि यदि फ्लावर आपने ज्यादा ऐड कर दिया तो भी ये बहुत अच्छे नहीं बनेंगे और यदि कम ऐड किया तो फटने लगेंगे। इसलिए आपको सही रेशो यही है कि 250 ग्राम पनीर और 100 ग्राम मावे में आपको 3 टेबल स्पून कम से कम ऐड करना है। तो चलिए इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं।
ये देखिए डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और बचा था 3 टेबलस्पून में से, उसको भी ऐड किया क्योंकि अभी भी लग रहा है थोड़ा सा ये जरूरत है। यानी ये इसको हाथों में नहीं चिपकना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। ये देखिए तैयार हो गया बिल्कुल अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हम बना रहे कोफ्ता इसलिए सॉल्ट जरूरी है, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून स्पेशल गरम मसाला। इसके इंग्रेडिएंट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो ये आप घर पे ही तैयार कर पाएंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा डो। अब इसको ढक के रख देते हैं तब तक जब तक कि हम फिलिंग बना लेते हैं, यानी स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पे 2 टीस्पून हम यहाँ घी ले रहे हैं, देसी घी, और उसमें ये 6 से 8 चॉप किए हुए अलमंड यानी बादाम, और ऐड करेंगे 6 से 8 चॉप किए हुए काजू। अब इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, तो घी के अंदर ही अच्छे से रोस्ट करें, एक अच्छा सा अरोमा भी आएगा और टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही आएगा। और जब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं तो हमने 1 घंटे पहले ही 2 चम्मच दूध के अंदर सैफरन, कम से कम 1 ग्राम सैफरन भिगो के रख दिया है। देखिए हो गया फ्राई, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट काफी होता है। फ्लेम ऑफ करके इसको निकाल लेते हैं बाउल में। अब इसमें चॉप किए हुए 10 से 12 किशमिश ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून शुगर, और केसर वाला दूध जो है ना वो 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून स्पेशल गरम मसाला। इसके इंग्रेडिएंट हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा पोर्शन हम ले लेंगे जो मिक्सचर हमने बनाया है, डो बनाया है पनीर और मावे का, तो ये इसको अच्छे से ताकि बाइंडिंग आ जाएगी। देखिए बाइंडिंग अच्छे से, इसको छोड़ देते थोड़ी देर, सेट हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं जो पनीर वाला हमारा डो है, परफेक्ट ढल गया है अच्छे से जब तक हमने बनाया स्टफिंग को। तो एक छोटा सा गोली हम बना लेते हैं। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा है, मॉडरेटली हॉट होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए बस ये गोली डाली ना, तो ये हल्की से बुदबुदा है, इतना ही गर्म आपको तेल रखना है। तो ये हम डो को चेक कर रहे हैं कि ये कहीं फट तो नहीं रहा। ये देखिए डो को अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो ये गोली हम अच्छे से तेल को स्टर करके और इसमें छोड़ देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं नहीं फट रहा। इस तरह से चलाते हुए हमें कोफ्ते फ्राई करने, जैसे गुलाब जामुन फ्राई करते हैं एज इट इज। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं हम कोफ्ते, रेडी करेंगे स्टफिंग भर के। तो पहले थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको हाथों में गोल कर लें, उसके बाद इसके सेंटर पे होल कर लेंगे स्टफिंग भरने के लिए, और चम्मच की मदद से इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। तो इस तरह से कम आप 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून जरूर ऐड करें, कम से कम 1 टीस्पून। और ये देखिए अच्छे से इसको बंद करके और फिर बिल्कुल गोल शेप कर देंगे, ऐसे शेप कीजिए चिकना हो जाए। ये देखिए हो गया, बस इतना आसान है ये बनाना। तो ये रेडी हो गया। इसी तरह से सारे हम रेडी कर देंगे, जितना हमने बनाया है डो उसमें कितने बन के तैयार होते हैं देख लीजिए। फटाफट से इनको गोल करते जाएंगे, भरते जाएंगे, और ये तैयार हो रहे हैं हमारे कोफ्ते। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा, उसमें एक गोली डाल के रखी है उसको फ्राई करने के लिए। बहुत धीमा कर रखा है, एकदम लो से भी लो करना है आपको हीट को। ये हमारे 10 कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं, यानी इतने से डो से हमें 10 कोफ्ते हम बना सकते हैं, वो भी बड़े बड़े, और ये फ्राई होने के बाद और बड़े हो जाते हैं। तो देखिए इसको जब आप ऑयल में डालें उससे पहले एक बार राउंड अप जरूर कर लें। जब ये फ्राई होंगे तब आप देखेंगे हल्का सा ये फ्लैट होते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और हल्के होते हैं। तो देखिए ये तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन, ये हमने गोली डाली थी ना, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये कलर देख सकते हैं आप, ऐसा ही कलर हमें कोफ्तों को देना है। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, और ऑयल आप देखिए बिल्कुल आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है, बिल्कुल मॉडरेटली हॉट होना चाहिए। ये देखिए डालने के बाद आप हल्के से बुदबुदे आएंगे, थोड़ा सा चलाएं, एक एक करके डालें, थोड़ा चला दें, उसके बाद नेक्स्ट ऐड करें, एक साथ सारे ऐड नहीं करें। तो ऑयल का टेम्परेचर गिरेगा, ऑयल का टेम्परेचर एकदम गिर जाएगा तो ये फट जाएंगे। तो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है जब भी आप गुलाब जामुन बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं उनको फ्राई करने के लिए,
आपको ऑयल को इसी तरह से स्टर करना होता है, ऑयल को हिलाना है आपको, गुलाब जामुन या कोफ्ते को नहीं हिलाना होता है। यहाँ हम कोफ्ते बना रहे हैं, लेकिन इजी से इस तरह से आप स्टर करते जाएं, एक एक करके डालते जाएं। हमने 10 कोफ्ते बनाए थे, एक साथ 5 फ्राई कर लेते हैं और 5 अगले बैच में फ्राई कर लेंगे। इतना ऑयल है कि हम आराम से 5 कोफ्ते फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से तेल को स्टार करते हुए हम ऐड करते जाएंगे। अभी हमने 4 ऐड किया, ये 5 और भी ऐड कर दिया, और अब हम कढ़ाई को भी इस तरह से हिलाएंगे। धीरे हिलाइएगा, नहीं तो क्या कढ़ाई से तेल छलक कर बाहर आ सकता है, इसलिए आप आराम से इसको इस तरह से हिलाएं। एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। इसको धीमे ही फ्राई करना है, बिल्कुल लो हीट पे करना है, लो टू लो हीट पे आपको करना है, बिल्कुल हाई नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छे से ये फ्राई नहीं होगा अंदर से। आप देखेंगे धीरे धीरे कलर पकड़ता है और ये इस तरह से फ्राई होकर रेडी हो जाता है। तो हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत सुंदर कलर आया है। इसको हम निकाल लेंगे छलनी के ऊपर ताकि एक्सेस ऑयल जो है ड्रेन हो जाए। तो कोफ्ते सारे फ्राई कर लेते हैं, 5 कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। नेक्स्ट 5 को हम ऐड करेंगे, ठीक उसी तरह से ऐड किया एक एक करके, और इसको भी इसी तरह से हिलाते हुए हम फ्राई करेंगे 20 मिनट और लगेगा। तो टोटल कोफ्तों को फ्राई करने में 40 मिनट लग जाते हैं। बहुत लोग आपको कहते हैं ना 5 मिनट में 10 मिनट में तैयार हो जाएगी रेसिपी, ऐसा कोई जादू नहीं होता फ्रेंड्स, समय लगता है रेसिपीज को प्रॉपरली करने में। ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, नेक्स्ट बैच भी फ्राई हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, नेक्स्ट बैच भी परफेक्टली फ्राई हो चुका है। तो इसको भी डिश आउट कर लेते हैं, ठंडे होंगे। उसके बाद हम बनाएंगे ग्रेवी। तो यहाँ पे हम रॉयल ग्रेवी बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ व्हाइट ग्रेवी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 6 हमने सफेद प्याज लिए हैं, यदि सफेद प्याज नहीं मिले तो आप लाल प्याज से भी कर सकते हैं। यहाँ पानी गर्म होने के लिए रखा है, उसमें 25 पीस हमने काजू के डाल दिए, 25 पीस हमने बादाम के डाल दिए, और ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें। साथ में 6 प्याज को हमने रफली चॉप किया है, उसको ऐड कर दिया, और यहाँ ऐड करेंगे 15 से 20 गार्लिक क्लोव्स। अब इसको बॉईल होने देंगे 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आपको बॉईल करना है। ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम मखमल की तरह हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको छान लेंगे। ये जो पानी है ना, इस पानी में कड़वाहट होती है और हमें इस ग्रेवी में मिठास चाहिए, कड़वाहट बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे इसको छलनी पे निकाल रहे हैं, इसको ठंडा करेंगे और ये जो बादाम है इसके छिलके पील कर लेंगे। हमने बादाम यूज किया क्योंकि बादाम हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और ठंडक भी देता है। इसके जगह आप मगज भी यूज कर सकते हैं, यदि सस्ता इंग्रेडिएंट आप यूज करना चाहते हैं तो बादाम की जगह मगज भी यूज कर सकते हैं। बादाम का अपना ही फायदा है। ये ठंडा हो चुका है तो इसको हमने ऐड कर दिया जार में, और यहाँ पे हमने पानी ऐड किया 1 कप, और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल फाइन पेस्ट। व्हाइट लाइन है, इसका पावर है कि 1 मिनट से भी कम समय लगता है, और ये देखिए तैयार हो गया हमारा फाइन पेस्ट, बिल्कुल व्हाइट। आप यदि रेड वाला ऑनियन लेंगे तो हल्का सा रेडिस होता है। यहाँ पे हमने अपना पैन गरम कर लिया, इसमें ऐड करेंगे 2 कप मेल्टेड बटर एंड ऑयल। तो 2 कप बटर ऑयल है, यानी 1 कप बटर है, 1 कप ऑयल है, उसका हमने लिक्विड बना लिया है और इसको हमने ऐड किया। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी, और अब ये गरम मसाले ऐड कर देंगे। इसमें 2 बे लीव्स है, 1 जावित्री है, लौंग है, दालचीनी है और हरी इलायची, 2 हरी इलायची है, 2 दालचीनी है। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको अच्छे से स्टर करेंगे, फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट लगता है जिंजर को फ्राई होने में, क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो जिंजर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, फ्लेम को लो रखा है, लो पे ही पकाना है। फ्रेंड्स ये है कैरोटे का वॉक,
जो कि बहुत स्टाइलिश है और बहुत ही अमेजिंग है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप परचेज कर लीजिएगा। यहाँ हम ऐड कर रहे हैं जो पेस्ट हमने रेडी किया था उसको, और इसको अब हमें पकाना है लेकिन लो हीट पे। ध्यान रखिए कैरोटे का यदि आप वॉक या फ्रेंक पैन यूज कर रहे हैं तो आपको हाई हीट पे नहीं करना, नहीं तो ये खराब हो जाता है। और आप यदि लो टू मीडियम हीट पे इसको करते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देता है और बहुत ही अच्छा वॉक है, जरूर यूज करना चाहिए। अच्छा आपके लिए ये यूटेंसिल्स है। देखिए फ्लेम लो रखा है हमने और अब इसको पका लेते हैं ढककर कम से कम 5 मिनट, बिल्कुल लो हीट पे 5 मिनट इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ओपन कर लेते हैं लिड और देख सकते हैं आप घी बटर ऑयल सब सेपरेट हो चुका है और ये इसमें खूब अच्छी अरोमा खुशबू आ रही है। अब हमें क्या करना है, फ्लेम को ऑफ करके इसको छान लेना है क्योंकि हमने जो खड़े मसाले ऐड किए हैं वो खड़े मसालों को निकालना है। ये देखिए खड़े मसाले हमें नहीं चाहिए क्रीमी ग्रेवी में, तो खड़े मसाले हम निकाल लेते हैं। इसको हम छान लेंगे अच्छे से, छानना बहुत जरूरी है क्योंकि प्याज में भी हल्का सा रेशा होता है, वो रेशा झिल्ली जो है निकल जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल क्रीमी हमें छानने के बाद ग्रेवी मिल गई है, इसे वापस से हम वॉक में ऐड कर देते हैं और इसको चलाएंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड करें। फ्रेश क्रीम जो है इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बना देता है और टेस्ट तो माइंड ब्लोइंग आता है। अब इसको पकने देना है हमें। इससे पहले इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ऐड करेंगे 1 टीस्पून स्पेशल गरम मसाला, ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। व्हाइट पेपर ना हो तो ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो जाता है, यदि व्हाइट पेपर यूज करते तो ज्यादा अच्छा है, उसका अरोमा भी अच्छा है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, इसे हमें पकाना है। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, शुगर सब चीज़ों को बैलेंस करता है तो शुगर ऐड करना जरूरी है। अब इसका टेक्सचर हमें कैसा चाहिए, थिकनेस कैसा चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसा चाहिए वो देखना है। ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, स्पेशली ऐड किया जाता है, और ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे कि केवड़ा वाटर और कसूरी मेथी का एक अलग ही फ्रेग्रेंस आता है जो कि इस डिश को और स्पेशल बना देता है। तो इसको अभी पकने देना है, ढक देते हैं और 5 मिनट इसको बिल्कुल लो हीट पे पकने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, लिड ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं आप घी ऑयल बटर सेपरेट हो चुका है और इसकी थिकनेस काफी बढ़ गई है। अभी हम इसको चलाएंगे, थोड़ा सा थिकनेस हमें कंसिस्टेंसी सेट करना है। इसको थोड़ा सा ढक देते हैं और 2 मिनट और पकाएंगे। थिकनेस हमें कम लग रहा है इसलिए 2 मिनट और पका रहे हैं। फ्लेम बिल्कुल लो रखा है, 2 मिनट के बाद ओपन कर लेते हैं। देखिए अब बिल्कुल अच्छे से घी ऑयल सेपरेट हो चुका है और कंसिस्टेंसी भी सेट हो चुकी है। इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, हम आपको चेक करा देते हैं कंसिस्टेंसी परफेक्ट है या नहीं है। आपको क्या करना है, एक स्पून लीजिए और स्पून से चेक कर लीजिए, यदि स्पून में अच्छे से लगा हुआ है तो दैट मीन्स की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। ये देखिए स्पून में अच्छे से बैक साइड पूरी तरह से इस तरह से लगा हुआ है, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो ये तैयार हो गया हमारा मलाई ग्रेवी। अब क्या होता है कि आप चाहें तो मलाई ग्रेवी के अंदर कोफ्ते डाल के 1-2 मिनट के लिए बॉईल कर सकते हैं। वैसे कोफ्ते इतने सॉफ्ट है कि आप कोफ्तों के ऊपर गरम गरम ग्रेवी डालेंगे ना तो ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे कोफ्ते ऐड करके नहीं कर रहे हैं। पहले हम प्लेट कर देंगे मलाई ग्रेवी और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कोफ्ते। कोफ्ते बहुत सॉफ्ट हैं तो चलिए कोफ्ते ऐड कर देते हैं। ग्रेवी ध्यान रखें बिल्कुल गर्मा गर्म होनी चाहिए। अब इसके ऊपर से फिर से ऐड कर देते हैं ग्रेवी। आप देख सकते हैं ग्रेवी की थिकनेस परफेक्ट होगी तो ये कोफ्तों के ऊपर कोट हो जाएगी इस तरह से।
तो फटाफट से हम ग्रेवी को ऐड कर देते हैं ऊपर अच्छे से। आप देख सकते हैं ठंडे होने के बाद ये जैसे से ठंडा होगा वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। जो केसर वाला दूध हमने मिलाया था उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और यहाँ देसी घी में हमने कश्मीरी रेड चिली ऐड करके ये रोगन बनाया है तो इसको ऐड कर दिया। ऊपर से थोड़े से कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी Oh मेथी। my तो God. लीजिए तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल रॉयल मलाई कोफ्ता। बहुत ही टेस्टी और बहुत डिलीशियस मलाई कोफ्ता है। इतना सॉफ्ट है कि मुंह में घुल जाएगा। रोटी पराठा नान के साथ खाइए, आपको ये बहुत ही मजा देने वाले हैं। बिल्कुल अमेजिंग टेस्ट है। रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और घर पे ही बनाएंगे इस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है, अमेजिंग है, जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। बनाइए और बना के बताइएगा ये रॉयल रिच ग्रेवी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी बना पाए ये स्पेशल मलाई ग्रेवी रॉयल कोफ्ता। बहुत ही टेस्टी है, देखिए कितना सॉफ्ट है और अंदर की स्टफिंग अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स बना लीजिए और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, और खास मेहमान आए तो आपको जरूर बनाना चाहिए ये मलाई कोफ्ता। उनको भी डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है ये मलाई कोफ्ता, स्पेशल टेस्टी और डिलीशियस है ना। तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो बनाइएगा जरूर, और बनाकर आप पिक्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको रेसिपीज कैसी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ सदा जुड़े रहिएगा। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना, तो चुपके चुपके मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हमारे साथ हमारी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया यूं ही जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स बनाइए आज हमारी स्पेशल रेसिपी। हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और अमेजिंग रेसिपीज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी, मैजिकल रेसिपी मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ।